विधानसभा चुनाव में विधानसभाओं के ऐतिहासिक परिदृश्य के सिलसिले में इस बार भीम विधानसभा आपके साथ लेके आए हैं। भीम विधानसभा में कई रोचक पहलू देखने को मिले हैं। यहाँ खास बातें हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक हरि सिंह रावत 3 बार लगातार विधायक रहे, हैट्रिक लगाई। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार अगर शासन ज़्यादातर विधायक रहे तो कांग्रेस से रहे, और मुख्य रूप से डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत के परिवार से 6 बार विधायक चुने गए हैं। उनके पिताजी विधायक रहे, वो खुद विधायक रहे, और उनका जो बेटा हैं सुदर्शन सिंह वो अभी वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन कोई भी उनका सदस्य हैट्रिक नहीं लगा पाया। भीम विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद प्रदेश में 2 बार यहां के विधायक मंत्री रहे। इस विधानसभा सीट का दिलचस्प पहलू यह है कि अब तक 15 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डाले तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक 9 बार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के 3 बार विधायक चुने गए, 2 बार स्वतंत्र और 1 बार जनता दल के प्रत्याशी के विधानसभा चुनाव जीता। इनमें विजेता प्रत्याशियों में 10 बार भीम विधानसभा का विधायक चुना गया, जबकि 5 बार देवगढ़ क्षेत्र से विधायक रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से वर्ष 1998 में लक्ष्मण सिंह रावत भीम विधानसभा सीट पर चुनाव जीतकर गृह राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद 2003, 2008 और 2013 तक यानी 15 साल तक भाजपा के हरि सिंह रावत ने जीत दर्ज की, लेकिन वर्ष 2018 में भाजपा के बागी चुनाव लड़े अजय सोनी के कारण यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। भीम विधानसभा सीट पर कांग्रेस सरकार में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत गृह राज्य मंत्री रहे, जबकि भाजपा की भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिरने के बाद देवगढ़ के मानदाता सिंह भीम विधायक होने पर समर्थन देने पर मंत्री बने थे, जबकि भाजपा से हरि सिंह रावत मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने व कांग्रेस से लक्ष्मण सिंह रावत मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। 3 बार विधायक रही रानी लक्ष्मी कुमारी कांग्रेस की पहली महिला प्रदेशाध्यक्ष थी। आपको बता दें कि भीम विधानसभा में 2,29,746 मतदाता हैं, जिसमें से 1,17,312 पुरुष और 1,12,432 महिला मतदाता हैं। भीम विधानसभा के ऐतिहासिक परिदृश्य में भीम विधानसभा में चुनाव में 9 बार कांग्रेस के विधायक, तो 3 बार भाजपा विधायक बने, 2 स्वतंत्र उम्मीदवार और 1 बार जनता दल से विधायक चुने गए हैं। भीम विधानसभा में पहला चुनाव कांग्रेस के विधायक 1952 में रावत संग्राम सिंह चुंडावत देवगढ़ लड़े, दूसरा चुनाव 1957 में मेजर फतेह सिंह रावत स्वतंत्र, 1962 व 1967 में लगातार 2 बार कांग्रेस से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ बनी, 1972 में कांग्रेस के चिमन सिंह भाटी भीम बने, 1977 में भीम के मेजर फतेह सिंह स्वतंत्र रूप से फिर विधायक बने, 1980 में कांग्रेस से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ फिर विधायक बनी, 1985 में कांग्रेस के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत भीम जो कि फिर विधायक चुने गए, 1990 में जनता दल के मानदाता सिंह देवगढ़ वो विधायक बने, 1995 व 1998 में कांग्रेस के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत भीम विधायक बने, और 2003, 2008 और 2013 में भाजपा के हरि सिंह रावत विधायक चुने गए, और 2018 में कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत विधायक बने जो अभी विधायक पद पर बने हुए हैं। भीम विधानसभा सीट पर 3 परिवारों का दबदबा बना रहा है, जिसमें 5 बार देवगढ़ पूर्व राज परिवार और 6 बार डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत के परिवार और 3 बार हरि सिंह रावत का दबदबा रहा है। सीट के पहले विधायक देवगढ़ के पूर्व राज परिवार के संग्राम सिंह बने, जबकि 3 बार लक्ष्मी कुमारी विधायक बनी। वहीं उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के परिवार से 6 बार विधायक चुने गए हैं। 1957 और 77 में लक्ष्मण सिंह के पिता मेजर फतेह सिंह 2 बार स्वतंत्र विधायक रहे, उसके बाद 3 बार 1985, 1995 और 1998 में लक्ष्मण सिंह ने चुनाव जीता और मंत्री बने। उसके बाद 2018 में लक्ष्मण सिंह के पुत्र सुदर्शन सिंह विधायक बने हैं। वहीं लगातार 3 चुनाव हरि सिंह रावत भी जीते हैं।
निश्चित तौर पर भीम विधानसभा का जो ऐतिहासिक परिदृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए, ज़रूर अपनी राय दीजिए। हम प्रयास करेंगे इसी तरह अगली विधानसभा का ऐतिहासिक परिदृश्य आप तक लेके आए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।